अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीआईटी मेडिसिन और उसमें अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो है लोअर जीआई ब्लीड। अच्छा, ये पर लोअर मतलब ओवरऑल अगर मैं सारे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ आपके होते हैं जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स होती हैं पेशेंट की, हम उनसे ज्यादा जो है वो हम पढ़ते हैं वो बीमारियों को पढ़ते हैं। ज़ाहिर है पेशेंट ये तो नहीं कहेगा कि मुझे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होगी है या मुझे पेप्टिक अल्सर डिजीज है, वो तो बताएगा कि मुझे ये सिम्टम है। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपर और लोअर जीआई ब्लीड का जो सिम्टम है पढ़ने से जरूरी है कि इसका आपका पास पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आता होता है और इसमें से एमसीक्यू बनते हैं कि पेशेंट इस क्वेश्चन तो सीधा सीधा देते हैं कि राइट डाउन द एन्यूमरेट द कॉसेस ऑफ अपर जीआई ब्लीड एंड व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ एक्यूट सिवियर अपर जीआई ब्लीड या एक्यूट सिवियर लोअर जीआई ब्लीड। ठीक है, तो ये तो आपको सिंपली वो क्वेश्चन आता होता है डायरेक्ट, इसमें कोई सिनेरियो वेरियो नहीं होता। और दूसरा वो ये होता है कि आपके पास एमसीक्यू में इसमें से पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर जीआई ब्लीड, एक्यूट लोअर जीआई ब्लीड किस चीज के साथ प्रेजेंट करता है एंड जो क्रॉनिक लोअर जीआई ब्लीड है उसकी कॉमन कॉसेस क्या है, तो ये आपको बताना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में खासतौर पर सबसे बड़ा मसला जो फेस करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि एक्यूट सिवियर लोअर जीआई ब्लीड में ये होता है, लेकिन यहाँ पर किताब में भी आपको शायद लिखा हुआ मिले कि मोस्ट कॉमनली क्या हो रहा होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछ रहे थे सीधा सीधा कि मोस्ट कॉमन बताओ, तो फिर हम वहां पर फंस जाते हैं भाई, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट, ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप अपनी सेटिंग के हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमारे पास डेविडसन आप देखेंगे तो डेविडसन में उन्होंने लिखा हुआ है कि लोअर जीआईटी ब्लीड, लोअर जीआईटी ब्लीड का मैं आपको मतलब बता दूं, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम के बाद जो पोर्शन होता है वहां से लोअर जीआईटी स्टार्ट होता है और उसमें आपका थोड़ा सा ड्यूडनम आ जाता है, फिर उसके बाद सारा का सारा बाकी जेजनम एंड आइलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टिन का आपका सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ये सारा लोअर जीआईटी है। इसकी जो ब्लीड होती है वो लोअर जीआईटी ब्लीड में आती है। अब वो आपके पास बहुत ही कम ऐसा होता है कि यहाँ की ब्लीड हेमटेमेसिस के साथ प्रेजेंट करे, क्योंकि इतना ऊपर तक ब्लड नॉर्मली जा भी सकते हैं ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूडनम के थर्ड पार्ट से और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम से भी इतना फोर्स जाता है ऊपर कि उससे भी आपका हेमटेमेसिस होता है, लेकिन वो बिल्कुल फिर जमा हुआ क्लॉटेड सा ब्लड आता है जो आपका उल्टी में आता है। ज्यादातर यहाँ की जो ब्लीडिंग है या तो ये कि वो अंदर ही अंदर होती रहेगी और ब्लड कलेक्ट होता रहेगा, या फिर वो आपके पास नीचे से थ्रू योर स्टूल्स निकल के प्रेजेंट करेगी कि फ्रेश ब्लड है या क्लॉटेड ब्लड है, ऐसे ब्लैक टारी स्टूल्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाता है उस हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप डेविडसन देखते हैं तो उसमें आपको लिखा है उनने कि एक्यूट सिवियर ब्लीड, सिवियर का मतलब ज्यादा होना और एक्यूट का मतलब है कि अचानक से होना, तो एक्यूट सिवियर ब्लीड की मोस्ट कॉमन कॉज है डायवर्टिकुलर डिजीज। अब ये उन्होंने लिखी है अपने सेटिंग के हिसाब से, क्योंकि यूरोपियन सेटिंग में ऐसा ही है बिल्कुल, वहां पर डायवर्टिकुलर डिजीज ऑफ द कॉलन बहुत कॉमन है। डायवर्टिकुलर डिजीज कॉलन की क्या होती है, आपने पढ़ा था कि डायवर्टिकुलास बन जाते हैं कॉलन में, कि कॉलन की वॉल जहां पर थिन होती है, खासतौर पर लोगों में जो कि बहुत प्रेशर जिनमें पड़ रहा होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन के लोग होते हैं जिनमें बवल मूवमेंट्स नॉर्मली इनिशिएट नहीं हो रही होती, उनको जोर लगाते हैं, वो जोर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके वॉल्स होती है ना कॉलन की, उसमें से कुछ एरिया जैसे वॉल ऐसे आउट पाउच करके बाहर निकल आती है। ठीक है, और जब बहुत सारी जगह से ऐसी आउट पाउचिंग हो जाती है ना वॉल की, तो उसको हम डायवर्टिकुलर डिजीज या डायवर्टिकुलास कहते हैं, डायवर्टिकुलोसिस भी कहते हैं। और जब इन आउट ये आउट पॉकेटिंग क्या है, सिंपल आपकी जो कॉलन की वॉल है उसी में से ऐसे पाउचेस पाउचेस बन गए, क्योंकि कॉलन की वॉल बहुत पतली थी और उस पर प्रेशर पड़ा तो एक पॉकेट सी बाहर बन गई। अब क्या होता है, इसी में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन आउट पॉकेटिंग जैसे या फिर इन पाउचेस में, तो उसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। अब ये डिजीज हमारी सेटिंग में बहुत ही लेस कॉमन है, क्योंकि इसकी एक मेजर कॉज होती है अल्कोहल ड्रिंकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल। हमारी पाकिस्तान की सेटिंग में मैं ही नहीं कह रही कि बिल्कुल भी अल्कोहल ड्रिंकिंग नहीं है, लेकिन डेफिनेट सी बात है कि यूरोपियन सेटिंग से काफी कम है। यूरोपियन सेटिंग का मुकाबला किया जाए तो उसके मुकाबले में यहाँ अल्कोहल कम होती है, उसकी वजह से यहाँ डायवर्टिकुलर डिजीज का इंसिडेंस बहुत कम है। आप समझ लें कि 5 साल में अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे हो तो शायद आपको कोई एक मरीज या दो मरीज आ जाए ऐसे जो डायवर्टिकुला के हो, वरना नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारी सेटिंग में एक्यूट सिवियर जो ब्लीड होती है उसमें दिस इज द लेस कॉमन कॉज। बाकी सारे हो सकते हैं, आपके एंजियोडिस्प्लेजियाज हो सकते हैं, चले उसके अलावा बावल इस्कीमिया इज इम्पोर्टेंट। बावल इस्कीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बावल इस्कीमिया का ताल्लुक है एथरोसिक्लेरोसिस से। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ऐसा डायवर्टिकुला का कॉज तो समझ आ गया ना, डायवर्टिकुलास ये है कि आपके आउट पॉकेटिंग है और इधर इसकी वजह से आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है वेसल्स मैल फॉर्म हो रही है और कोई एक वेसल रप्चर होगी आपके ट्रैक जे ट्रैक के अंदर रप्चर होगी तो जाहिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी जो आपके
स्टूल में ब्लड पास होगा और वो जब ब्लीडिंग होगी और किसी मेजर वेसल की रप्चर की वजह से हुई तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसके हम कहते हैं एक्यूट सीवियर कॉज में इसको हमने रखा हुआ है। और उसका डायग्नोसिस फिर आप कोलोनोस्कोपी से ही बनाते हैं, कोलोनोस्कोपी आप करते हैं कोलन में, टब हुई पास करते हैं एंडोस्कोप और आप कैमरे में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पेशेंट को डायवर्टिकुलोसिस डेवलप हुआ है। उसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन कराएंगे तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो बावल इस्कीमिया, इसने बताया कि हमारी सेटिंग में इसकी इंसिडेंस ज्यादा है, इसलिए इस्कीमिया का मतलब है कई बार ऐसा होता है कि आपके ना इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ऑक्लूजन हो जाती है ड्यू टू एथ्रोसिक्लेरोसिस। हमारी सेटिंग में एथ्रोसिक्लेरोसिस बहुत कॉमन है, यहाँ लोग ओबिसिटी, कोलेस्ट्रॉल की हाई इनटेक होना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ ज्यादा है, इससे यहाँ एथ्रोसिक्लेरोसिस बहुत ज्यादा है। एथ्रोसिक्लेरोसिस अगर आपकी इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को ऑक्लूड करता है जो आपके लोअर जीआईटी को पर्टिकुलरली सप्लाई कर रही है, तो उससे क्या होता है कि बावल का वो एरिया जहां पर वो सप्लाई कर रही थी वहां तो इस्कीमिया हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इस्कीमिया की वजह से ब्लीडिंग कहाँ हुई, असल में होता कुछ ही हुआ है कि इस्कीमिया की वजह से उनको शरीर के दम का इस्कीमिक पेन होता है जो कि जाहिर है प्रेजेंट करता है एज एब्डोमिनल पेन। पेशेंट देखेगा ना पेट में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया, अचानक से शुरू है क्योंकि जाहिर है एथ्रोसिक्लेरोसिस के प्रोसेस में कोई भी जो क्लॉट ने अचानक से पूरी वेसल को ऑक्लूड कर दिया, उससे पहले हो सकता है पार्शल ऑक्लूजन हो लेकिन ब्लड जा रहा था, अब पूरी ऑक्लूड हो गई वेसल आपकी तो आपका ब्लड आगे जाना बंद हो गया, तो पेशेंट को इस्कीमिया डेवलप हुआ शदीद एब्डोमिनल पेन। वो शदीद एब्डोमिनल पेन की वजह से क्या होता है कि पेशेंट की बाकी जो वेसल्स हैं वेस्कुलर सप्लाई उस पर फोर्स पड़ता है और खास तौर पे आपका जो रेक्टम का एरिया, रेक्टम के एरिया को ये आपकी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेसल सप्लाई नहीं करती तो रेक्टल एरिया में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो ब्लीडिंग आपकी सिवियर होती है काफी ज्यादा और वो प्रेजेंट करती है सिवियर एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम योर जो आपका एनल कैनाल है। ठीक है, तो बावल इस्कीमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ जो हमारी सेटिंग में कॉमन है। उसके बाद फिर ये एंजियोडिस्प्लेसिया या मेकल्स डायवर्टिकुलम का इंसिडेंस कॉमन है। मेकल्स डायवर्टिकुलम आपको अगर याद हो सर्जरी में पढ़ा था हमने कि एक रेमिनेंट होता है यूरेकस का जो आपका अम्लाइकस से लेकर आपके पेशेंट का जो है ना ये अम्लाइकस से लेकर पीछे गट के साथ एक रेमिनेंट जुड़ा हुआ रह जाता है। ठीक है, असल में होता यह है कि अम्लाइकस जो आपका है ना जहां नाफ होती है उससे एक रेमिनेंट जुड़ के आता है और पीछे आपकी गट के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है और इसने खत्म हो जाना होता है, ये ऑब्लिट्रेट हो जाता है। अगर ये जिंदा रह जाए ऑब्लिट्रेट ना हो तो उसको मेकल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। मेकल्स डायवर्टिकुलम की इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि ये अगर आपका किसी भी कोई बात है आर्टरी में किसी आर्टरी को रप्चर कर दे, इसकी प्रेजेंस अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए खासतौर पर आर्टरी को रप्चर कर दे तो ये वही बात है कि ब्लीडिंग होगी बड़ी सिवियर हो सकती है। तो दिस इज एयर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी मेकल्स डायवर्टिकुलम। और एंजियोडिस्प्लेसिया की आपकी वेसल्स में पहले से ही कोई एबनॉर्मेलिटीज है और वो एबनॉर्मेलिटीज डिफरेंट तरह की हो सकती है, उसको हम एंजियोडिस्प्लेसिया एक बड़ी टर्म देते हैं। एनजीओ का मतलब वेसल, डिस्प्लेसिया का मतलब है खराबी और उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी एक्यूट अपर सिवियर सॉरी लोअर जीआईटी की सिवियर ब्लीडिंग के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, एक्यूट कॉज होती है और सब में ही तकरीबन जो हमारे पास डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो कोलोनोस्कोपी है। लेकिन आपकी जैसे अभी एंजियोडिस्प्लेसिया तो इसमें आपको फिर आर्टेरियोग्राफी एंजियोग्राफी भी करानी पड़ती है चेक करने के लिए। बावल इस्कीमिया में आपको सीटी एमआरआई या फिर इसमें भी आपको साथ आप एंजियोग्राफी भी कराते हैं लेकिन ऐसे कोलोनोस्कोपी पे काफी हद तक आपका डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके जो क्रॉनिक ब्लीडिंग के पेशेंट्स होते हैं मोस्ट कॉमन हमारी सेटिंग में है वो है हेमोरॉइड्स बवासीर जिनको कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग हेमोरॉइड जो खूनी बवासीर होती है मोस्ट कॉमन क्योंकि हमारी सेटिंग में हेमोरॉइड बहुत कॉमन है क्योंकि हमारी सेटिंग में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया के जो एरियाज है वहां पर हेमोरॉइड्स आर वेरी कॉमन और दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक ब्लीड फ्रॉम द लोअर जीआई ट्रैक। आपके प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड्स होते हैं, आपके ग्रेड टू हेमोरॉइड्स पेशेंट के होते हैं और पेशेंट ना इसके लिए केयर सीक नहीं करता जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से ना ये बहुत अरसे तक लंबे लंबे और अक्सर पेशेंट आपको एनीमिक मिलेंगे और अक्सर पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो भी आपको बताना नहीं चाह रहे कि उनको कोई मसला है, वो तो आपको अचानक से पता चल गया या उनके मुंह से निकल गया तो समझ आ जाती है, वरना नहीं बताते। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हेमोरॉइड्स के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो एनल फिशर होती है, यानी कि आपकी एनल केनाल में लोअर पोर्शन में जख्म हो जाना, मतलब ये मेरी एनल केनाल है तो इसके अंदर म्यूकोजा में जख्म जो हो जाता है उसको एनल फिशर कहते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जख्म जिस तरह होगा, बाहर जख्म हो तो जख्म हो गया, अंदर हुआ तो उसे एनल फिशर कह दिया। तो ये एनल फिशर आपकी यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है जो स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, और भी कॉजेज हैं इसकी, लेकिन जब ये फिशर होगा इसमें ये नहीं होता कि हर टाइम ब्लीड होता रहे, लेकिन जाहिर है जख्म है ना अगर प्रेशर पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन होगी खासतौर पर पेशेंट को, उस वक्त प्रेशर पड़ेगा एनल केनाल से इतनी बड़ी सख्त चीज पास करेगी तो जाहिर है कि उसके बाद उसको ब्लीडिंग तो होगी। तो एनल फिशर इज वेरी कॉमन। उसके अलावा कोई भी कैंसर जो होता है आपका लोअर जीआई ट्रैक का, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपकी यही होती है अपनी क्रॉनिक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अच्छा आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नॉर्मली आपकी
कोलोनोस्कोपी होती है। तो कोलोनोस्कोपी में आपने, जाहिर सी बात है कि आप देख लेते हैं, इसमें बहुत सारी डिजीज रूल आउट हो जाते हैं, आपकी डायबिटिकुलर डिजीजेस, आप जब गट को देखते हैं तो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज को आप देख सकते हैं, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक कंटिन्यूस एक ही एरिया इन्वॉल्व होगा जो रेक्टम से शुरू हो रहा होगा, उसमें आपकी आपको मिलेंगी के वो कॉबल स्टोन अपेयरेंस मिलेगी आपको गट के म्यूकोजा के, थीमेटस म्यूकोजा मिलेगा, पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि उसको स्ट्रिंगी ब्लडी डायरिया होता है और वो इंटरमिटेंट एपिसोड्स में होता है, क्रोन्स डिजीज होगा तो स्किप लीजन्स मिलेंगी, हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो, फिस्टुलास हो, फिशर्स हो, ऐसी चीजें क्रोन्स में मिलेंगी। तो आपको कोलोनोस्कोपी मेकल्स डायवर्टिकुलम को बता देती है तो हर चीज का डायग्नोस हो जाता है। उसके बाद आपकी बेरियम स्वेलो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेरियम स्वेलो से आपको थोड़ा बहुत पहले बेरियम स्वेलो में से ज्यादा कंसिडर की जाती थी, आप जब से सीटी स्कैन और एमआरआई आए हैं तो आप बेरियम स्वेलो का रोल उतना नहीं रहा, क्योंकि एमआरआई आपको डिटेल्स सॉफ्ट टिश्यू बता देते हैं, सीटी स्कैन आपको बता देते हैं अच्छा खासा, तो इस वजह से ये आपकी ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, फिर वही बात है कि अगर आपने वेसल्स को ज्यादा तरीके से देखना है तो आप एंजियोग्राफी करा लेते हैं, और अगर आपने देखना होता है और कुछ बस ही कुछ है। अच्छा, उसके बाद आपने ट्रीट कैसे करना है, तो मैंने जिस पेशेंट्स की होती है कि आप कॉज को ढूंढते हैं और ट्रीट करते हैं। नॉर्मली इन पेशेंट्स को इनिशियल रिससिटेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें अगर एक्यूट सिवियर लोअर जीआई ब्लीड भी कभी भी बहुत सिवियर, मतलब ये नहीं देखा गया कि इतनी सिवियर है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो अगर जो इनिशियल असेसमेंट या रिससिटेशन है वही है कि आप व्हाइट बोर्ड कैनुला पास करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री होगी आपके पास और आप उसके बाद उसकी इनिशियल लैब्स भेज देंगे और उसको रिससिटेट करेंगे किसी भी नॉर्मल सलाइन या रिंगर्स लैक्टेट से, जब तक कि उसकी लैब से आपको कुछ मिलता नहीं है और आपकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जो आप यहाँ करेंगे उससे आपको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता। उसके बाद आप डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं और उसके बाद पेशेंट जो जाता है क्रॉनिक ब्लीड के होते हैं, हेमराइड वगैरह के, उनको आप आयरन से ट्रीट करते हैं, साथ आप उनकी कॉज को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो के नाश में। थैंक यू।